दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभी अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है ये आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो जरूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी ऐसी फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगाड़ बेदी सुविंद्रा सिंह गंग इलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना याबिर अनि दिक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सौडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उबरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं फिनिंग या गुम्बर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अनना दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी, बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारवली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे परंपरागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूटूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवनटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरीज स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सुविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या परी दिक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी तो हो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की जरूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टीवी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए ये आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभी अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगी म, मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो जरूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो जरूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्वेंगले स्वेंगले स्वेंगल, ऐसी फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह गंगूपुर इलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना याबिर अनि दिक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सौडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अन्य दीक्षित एक उज्जवल और एक उबरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं फिनिंग या गुम्बर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अनना दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोल बाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी, बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारवली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे परंपरागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूटूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि चरम ये मूवी को यूटूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवनटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरीज स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सुविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी तो हो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की जरूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए ये आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है ये आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो जरूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो जरूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगाड़ बेदी सुविंद्रा सिंह गंगूपुर इलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना याबिर अनि दीक्षिता आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सौडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अन्य दीक्षित एक उज्जवल और एक उबरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं फिनिंग या गुम्बर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अनना दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोल बाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी, बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारवली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे परंपरागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूटूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि चरम ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवनटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरीज स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सुविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी तो हो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की जरूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए ये आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि, कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो जरूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो जरूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्वेंगले स्वेंगले स्वेंगल, ऐसी फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगाड़ बेदी सुविंद्रा सिंह गंगूपुर इलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना याबिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सौडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अन्य दीक्षित एक उज्जवल और एक उबरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगी म, मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं फिनिंग या गुम्बर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अनना दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर ये यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोल बाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी, बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारवली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे परंपरागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूटूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि चरम ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवनटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं है। जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरीज स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सुविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी तो हो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की जरूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए ये आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो जरूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मंगल, डियर ऐसी फिल्में, वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगाड़ बेदी सुविंद्रा सिंह गंगूपुर इलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मंडवो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना याबिर अनि दिक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सौडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अन्य दीक्षित एक उज्जवल और एक उबरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं फिनिंग या गुम्बर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अनना दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फ़िल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोल बाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी, बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारवली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दाहिना हाथ खो दिया खो दी खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी मोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे परंपरागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूटूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन टोमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवनटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरीज स्टोज इंग्लिश विंग्लिश मिशन मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सुविंद्रा सिंह दुंगपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो श्यामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि आप कह सकते हैं अभिषेक सब, सब बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ ख़ास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डी तो हो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की जरूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनिना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है यह आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए ये आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहे तो मूवी को टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि पिक्चर में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है फिर भी मूवी का कलेक्शन कुछ खास नहीं होता है मगर मूवी के अंदर दम तो ज़रूर होता है और ऐसी ही एक कमाल की फ़िल्म के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका कलेक्शन लगभग सौ करोड़ का तो होना ही चाहिए था मगर दोस्तों दुख हो रहा है मुझे क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन इतना नहीं हुआ है खैर अब बात करते हैं मूवी के बारे में अगर आप इसे हिंदी के अंदर देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको हिंदी में मिलेंगी क्या इस फिल्म की स्टोरी है ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा घूमर 2023 में ये फिल्म आई थी और उस टाइम पे इस मूवी का बहुत ही बोलबाला था और खूब ये मूवी चर्चा में रही थी मूवी के अंदर आपको दिखाया गया है स्पॉट और ड्रामा दोनों ही दो घंटे चौदह मिनट की मूवी रही है आप इसे दोस्तों काफ़ी जगह से देख सकते हैं ये मूवी जियो टी के ऊपर भी अवेलेबल है जी फाइव भी अवेलेबल है दोनों जगह पर मूवी आपको मिलेंगी मगर ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी पर हाँ आप इसे टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं इसके बारे में आगे बात कर लेंगे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो रेटिंग है वो बहुत ही अच्छी है जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से चार स्टार दे रखे हैं जो रोटेन एन टमेटो है वहाँ पर भी इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र हैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को मिला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी के अंदर दोस्तों दम तो ज़रूर है और इस मूवी के दोस्तों डायरेक्टर आर बल्कि सर रहे है हैं जो एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सारी कमाल की और अनोखी मूवीज़ इन्होंने पहले बना रखी है जैसे कि चुप समिता पैडमैन की इनका पा लव स्टोरी मंगल डियर जिंदगी ऐसी शानदार फिल्में वो अपने करियर में दे चुके हैं अगर मूवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको श्यामी खेर अभिषेक बच्चन साबना आजमी अंगार बेदी सविंद्रा सिंह दुंगूपुर एलवाना दास अक्षय जोशी पीयूष रैना परी शर्मा भाग्य भानुशाली पदम्बा बिंड किरण नारगवी बिशन सिंह बेडी मोहित कुमार अमिताभ बच्चन नारोली मैंडो ऐसे आपको बहुत ही अच्छे किरदार इसके अंदर देखने को मिलेंगे हालांकि यहाँ पर जो सयामी खैर है इनका रोल अनिना या फिर अनि दीक्षित आप कह सकते हैं अभी अभिषेक अभिषेक बच्चन यहाँ पर पैडी के रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं सिंह सोडी भी तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि, कि कहानी क्या है और आपको यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यहाँ पर जो अनिना है यानी कि अनि दीक्षित एक उज्जवल और एक उभरती हुई बल्लेबाज और प्रतिभा और एक अजीब दुर्घटना के कारण उनका दायना हाथ खो दिया खो दी दि, खो देती है अब जाहिर सी बात है कि एक हाथ ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट तो होगी और जो वो हासिल करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी मगर आपने एक बात सुनी है ना कि अगर हमारे सपने बड़े हो और हम इसे पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं या फिर उसके बारे में हम डीप में सोचते हैं तो फिर हम उसमें कामयाब ज़रूर होते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सलाहकार की ज़रूरत होती है या फिर कोई कोच की ज़रूरत होती है अब यहाँ पर ऐसा ही होता है हालांकि असंगत और असफल टेस्ट क्रिकेटर पदम पैडी सिंह सोडी उन्हें गेंदबाजी के रूप में एक नई उम्मीद देते हैं और एक गेंदबाजी के रूप में उनकी किस्मत बदलने के लिए वे उसे अपरम्परागत तकनीकों से प्रदर्शित करते हैं स्पिनिंग या घुमर गेंदबाजी के लिए एक नई शैली है जिसका आविष्कार इन दोनों ने किया था क्या अनिना काल से जो क्या अनिना है वो ये कर पाएंगी और एक गेंदबाज के रूप में भारतीय महिला टीम में जगह बना पाएंगी जबकि दस महीने में भी यहाँ पर कम समय बचा होता है तो यही आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और ये कहानी दोस्तों अनना की है अब अन्य दोस्तों क्या करती है कैसे करती है ये आपको मूवी के अंदर आगे देखने को मिलेगा मेरी माने तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ देख सकते हैं हालांकि इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर आपको जी सिनेमा के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप इसे दोस्तों टी के ऊपर भी इंजॉय कर सकते हैं अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में भाई अभिषेक बच्चन और यहाँ पर यह लड़की जो थी इनकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है आपको कोई भी गलती यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी इनकी एक्टिंग दोस्तों बेहद ही शानदार है और इनका दोस्तों किरदार भी बहुत ही बढ़िया है और वे अपने किरदार के अंदर दोस्तों जो एकदम पेट भी बैठती है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी यहाँ पर बनी है तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने लगभग एक अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है तो आपको समय मिले तो दोस्तों मूवी को ज़रूर देखिए यह आपको शायद निराश नहीं कराएंगी फ़िलहाल के लिए ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर तो नहीं है मगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा ये मूवी अक्सर टी के ऊपर भी आती रहती है आप चाहें तो मूवी को टी के ऊपर भी देख सकते हैं मगर दोस्तों यूट्यूब पर फिलहाल तो ये आपको अभी नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी यूट्यूब पर नहीं आएगी यूट्यूब पर इस मूवी को रिलीज़ तो ज़रूर आया जाएगा मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो जी मूवीज़ हिंदी है इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ कर रखा है तो यहाँ पर काफ़ी चांस ये भी है कि में ये मूवी को यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है